ये जो देख रहे हैं यही है एंटी वेनम। यही अगर किसी इंसान को अगर सांप ने काटता है तो यही दिया जाता है। ये आपको हॉस्पिटल में ही मिलेगा, बाकी आपको सदर हॉस्पिटल में भी नहीं मिल सकता है। फिर भी आप लोग सदर हॉस्पिटल जाने की कोशिश कीजिएगा, ये डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल रहता है। और मेरे भाई, जो सांप कहीं काटता है तो कभी झाड़ फूँक के चक्कर में ना रहें, नहीं तो जान जा सकता है। सांप मान लीजिए किसी को काटेगा ना, तो ओझा झाड़ फूँक के चक्कर में आप लोग ज़्यादा रहते हैं बोल के ज़्यादा आदमी का जान जा सकता जाता है। तो इसमें हम यही कहना चाहता हूँ, कभी आप लोग को सांप मान लीजिए किसी को बाइट कर देगा, ना पैदल चले, ना कहीं आप लोग जाएं, ना दौड़ें, कहाँ काटा है वो देखिए, सांप के पीछे ना दौड़ें कि सांप काटा कौन सा हम देखेंगे उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे, ये कोई बात नहीं रहता है। आपको सांप ने अगर काट लिया, आपके मन में डाउट हो गया कि हमको सांप ही काटा, आप सीधा हॉस्पिटल का और सहारा लें, क्योंकि सांप मान लीजिए काट दिया आपको, उसी के चक्कर में आप रहेंगे तो टाइम आपका बीतेगा। और सांप काटने के बाद मेन है टाइम, टाइम से अगर सीधा हॉस्पिटल नहीं पहुँचे आप तो जान जा सकता है। इसीलिए सांप अगर काट लें तो दिन बिना देरी करके सीधा आप लोग हॉस्पिटल का सहारा लें, हॉस्पिटल का सहारा लीजिएगा तो जान जा सकता है। तो ये देखिए, अब सांप यही है सांप स्पेक्टल कोबरा, जिसमें हीमोटॉक्सिन वेनम रहता है। ये बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाला सांप है। ये कहीं भी काटेगा तो सूजन जलन बहुत तेज़ी से फैलेगा और वहाँ गैंग्रीन भी हो सकता है। और ये सांप का जो देखिए, सांप कभी नेचर में डायरेक्ट नहीं काट सकता है, कभी आपको नहीं काटेगा वो, आप उसके बगल से गुजर जाएंगे ना फिर भी आपको नहीं काटेगा। लेकिन काटता है कब, जब आप पैर दे दीजिएगा, पैर देने से ये आपको काटेगा, नहीं तो नहीं काटेगा। तो वही सांप देखिए स्पेक्टल कोबरा है, ये शांत स्वभाव का सांप है लेकिन काफ़ी फुर्तीला है। और ये सांप मान लीजिए जब आप पैर दे दीजिएगा बिना टॉर्च में, तो कभी रास्ते में मत निकाले कीजिए। अभी बरसात के मौसम है, बिना टॉर्च में निकलिएगा, सांप रास्ता में भटक के आता है अपने आहार करने के लिए। और उसी टाइम मान लीजिए आप लोग चल रहे हैं, वो है वहाँ पे, पैर दे दिए तो वो तो छोड़ेगा नहीं, कोई भी जीव नहीं छोड़ेगा। सांप देखिए कभी वो भी चाहता है कि इंसान से भेंट ना हो, और इंसान भी चाहता है सांप से भेंट ना हो, लेकिन यही एक वजह है। जब रात को ये अपने शिकार करने की तलाश में आता है तभी इंसान से भेंट हो जाता है, और तभी इंसान तो डरता ही है, और आपका जाके तभी खतरा हो सकता है। तो देखिए कितना फुर्तीला है, कितना तेज है, ये बहुत ही फुर्तीला और बहुत ही तेज है। ये सांप मान लीजिए किसी को काट देगा ना, तो सीधा हम जो बोल रहे हैं हर बात में कि सीधा हॉस्पिटल, ना झाड़ फूँक, ना ओझा, ना तंत्र मंत्र, देखना भागने के प्रयास कैसे कर रहे हैं। साइकिल ठो अच्छे सिस्टम से नहीं लगा था स्टैंड, बोर्ड के गिर गया ये। तो अब इसको हम बिना देरी करके घुसाएंगे, इसको लेट नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके इस पाइप के अंदर मैं घुसाऊंगा। पाइप में इसलिए घुसाते हैं कि डिब्बा में भरेंगे तो खतरा हो सकता है, इसलिए पाइप में अपने होल्ड समझ के वो सीधा घुस जाएगा अंदर। फिर भी ये घुस नहीं चाह रहा है क्योंकि वो था घर पे, अभी इतना जल्दी उसको घुसाएंगे तो ये भी घुसने नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी ये घुस जाएगा बिना देर के। कोई भी सांप जो है तुरंत घुस जाता है, कोई नहीं घुसता है, इसी कारण कि वो सोचा है होल्ड। तो देखिए कैसे मेरे जूता में बाइट करता है, ये बाइट प्रूफ है, मेरे जैसे कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही खतरा हो सकता है। कभी भी देखिए सांप ऐसा चीज़ है ना, सांप के बारे में ही जानने के बाद अगर पकड़े तो अच्छा है, क्योंकि सांप कौन सांप क्या है नहीं, यही है जानकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण। और सांप का जो आप लोग कहते हैं कि बीन बजाएंगे सांप नाचेगा, बीन कान है उसका सुनेगा, बीन की आवाज़ सुन के क्या आपकी घर से भाग जाएगा या घर पे निकलेगा? आदमी के को भरम है, अंधविश्वास है, आदमी ज़्यादा अंधविश्वास में ज़्यादा रहता है। तो देखिए अपने होल समझ के ये अंदर पूरा घुस गया, लेकिन मेरा ऐसी डायरेक्ट देना गलती होगा, इसलिए हमको अभी ग्लव्स पहनना होगा।
ग्लव्स बिना पहन के अगर मारेंगे तो मान लीजिए उस मंडी उसमें रख दिया हो तो फट से मार भी सकता है। वो मारने में पूरा तेज रहता है और पूरा एक्टिविट रहता है वो। मान लीजिए वहाँ देखिए अभी मुंडी जो है निकाल के रखा है, तो इसमें हम ग्लव्स में मेरा सेफ्टी है इसलिए ग्लव्स पहन के ही हम ढकने को लगा रहे हैं, लेकिन ये सांप भरने का पूरा सेफ्टी है यो जो पाइप बनाए हम इसमें अब पैक हो गया ये। इसमें सांस भी उसका पूरा निकलेगा, पाइप पूरा मेरा होल्ड किया हुआ है देख पा रहे हैं, पाइप बहुत ही अच्छा से होल्ड किए हैं और बहुत अच्छे से पैक है ये पूरा आसानी से घुसता है, देख रहे हैं कैसे घुस गया ये। तो ही मेरे भाई इसको दोबारा इसीलिए रिपोर्ट किया क्योंकि ये जो आप लोग बोलते हैं कि हम बीन बजा के सांप पकड़ते हैं या बीन लगाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता यार। बीन सांप की कोई कान नहीं होता है भाई, ना सांप कभी सुन सकता है ना सांप कभी, इसका मेमोरी लॉस है। कोई भी आदमी बोलते हैं कि सांप मरने के बाद हम लोग मार देते हैं तो सांप क्या आखिर बदला लेता है, लेकिन नहीं भाई सांप कभी बदला नहीं लेता है। इसका बदला का कारण इसका मेमोरी जो लेस है, मेमोरी लेस है। सांप अगर मान लीजिए किसी को पहचानता और पहचान के काटता तो क्या हो सकता, नहीं हो सकता। सांप कभी पहचान नहीं पाता है। कोई बोलता है कि घर में हम लोग मार दिए फिर उसका जोड़ा आ गया, लेकिन ये गलत बात है मेरे भाई।